बच्चों आज के वन शॉट में हम बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करने से पहले हमें अपने दिमाग में खांचे बना लेने चाहिए कि तीन पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। नंबर वन पार्ट इज माइक्रोस्कोपिक, नंबर टू इज सर्किट एनालिसिस एंड नंबर थ्री इज इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि हम अपने इस पूरे करंट एनालिसिस को अपन तीन पार्ट में बात करेंगे। माइक्रोस्कोपिक की बात करने वाले हैं, माइक्रोस्कोपिक क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे सर्किट सॉल्विंग की बात करेंगे। नंबर थ्री हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट की। तो हम ये तीनों बातें आज करेंगे और आपको समझ में आनी चाहिए तीनों बातों के बारे में कि कैसे कैसे काम होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द फर्स्ट पार्ट। हमारा जो पहला पार्ट है उसके ऊपर बात करते हैं, वो है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस जब आप कर रहे होते हैं तो ज्यादा ज्ञान बनने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है जे बराबर सिग्मा ई बराबर एनईवीडी। ये फॉर्मूला आपको जे बराबर सिग्मा ई बराबर एनईवीडी, ये फॉर्मूला इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर आप देखें तो फॉर अ गिवन मटेरियल सिग्मा कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एन क्या है यहां पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी चार्ज कैरियर डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट यानी जे का बिहेवियर और ई का बिहेवियर और वीडी का बिहेवियर एक जैसा होगा फॉर अ गिवन मटेरियल। यानी गिवन मटेरियल अगर है तो किसी भी पॉइंट पर जे जिस तरह से बिहेव कर रहा होगा उसी तरह पर ई बिहेव कर रहा होगा, उसी तरह से वीडी बिहेव कर रहा होगा। यानी कई तरह के ग्राफ खींचने को आते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। एक बार आपको जे का पता चल गया तो ई का पता चल जाएगा, ई का पता चल गया तो वीडी का पता चल जाएगा, यानी उन सबका रिलेशन एकदम सेम रहना है। और हमें पता है कि जब स्टडी स्टेट आ जाती है इट टेक्स माइक्रो सेकेंड, यानी हमारे लिए तो हम स्टडी स्टेट एनालिसिस करते हैं तो चार्ज एक्युमुलेशन बंद हो जाता है, स्टडी स्टेट से पहले थोड़ा बहुत चार्ज एक्युमुलेट हुआ होता है जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनों को दिशा देता है कि भैया वायर के अलोंग चलना है, तुम्हें कहीं भाग मत जाओ, वायर के अलोंग चलना है, उसके लिए चार्ज एक्युमुलेट होता है। तो वो एक्युमुलेटेड चार्ज के बारे में भी कई बार आपसे पूछ सकता है कि एक्युमुलेटेड चार्ज करके बताइए, निकाल के दिखाइए। तो जे इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू एनईवीडी है और स्टडी स्टेट आते ही करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है और इसकी वैल्यू जो है वो जे ए के बराबर है। याद रखिएगा ए वो है वेक्टर, ए वो एरिया है जो जे के अलोंग है, यानी एरिया वेक्टर और जे की दिशा सेम होगी तब हम जे ए कहते हैं। अदरवाइज अगर आपको जनरल बात करनी है तो आई की वैल्यू को हम जे डॉट ए करके कहेंगे। कई बार ऐसा सवाल आ जाए जिसमें तिरछा मिर्छा एरिया लिया हो तो आई की वैल्यू जे डॉट ए होगी और वो कॉन्स्टेंट रहने वाली है, इस बात को हमें समझना है। और आई अगर कांस्टेंट है जे बराबर सिग्मा ई बराबर एनईवीडी हमारे पास आता है। और एक लास्ट फॉर्मूला जो माइक्रोस्कोपिक में आपको याद होना चाहिए वो है सिग्मा इक्वल टू एनी स्क्वायर टाऊ बाई एम। अब हमारे पास माइक्रोस्कोपिक का कोई भी सवाल हमारे पास आएगा तो हम इन इस जो यहां लिखा हुआ है इस इतनी बात से हम उस सवाल के सारे सवाल दुनिया के सॉल्व कर सकते हैं। टाऊ हमारे पास जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है, उसकी बहस में नहीं पढ़ना चाहता। बस इतना याद रखिएगा कि अगर जेई में पूछा जाएगा तो टाऊ का फॉर्मूला या जो हमारे पास सिग्मा का फॉर्मूला जो आ रहा है वो यही आएगा, एनी स्क्वायर टाऊ बाई एम। तो जे बराबर सिग्मा ई बराबर एनईडी और ये हमारे पास रिलेशन। अब इस पे कैसे कैसे सवाल आएंगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इस पे कैसे कैसे सवाल आएंगे। अब उसमें सवाल जो हमारे पास आ रहा है प्लीज ध्यान से देखिएगा, सवाल जो हमारे पास आएगा मान लो उसने कहा कि एक हमारे पास ये ऐसा कंडक्टर है, ये ऐसा कंडक्टर है और इसको हायर पोटेंशियल दिया गया है और इसको लोअर पोटेंशियल दिया गया है और पूरा मटेरियल एक जैसा है या एक जैसा ना हो कोई फर्क पड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस याद रखना है कि किसी भी इंस्टेंट पर कहीं पर भी अगर आप जाएंगे किसी भी जगह आप यहां पहुंचेंगे तो आई की वैल्यू जो होगी वो हर जगह सेम होगी। आई की वैल्यू सेम होने वाली है। आई हर जगह सेम है। तो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में आई की वैल्यू अगर हर जगह सेम होने वाली है ये बात हमें पता है। अब वो कुछ भी पूछे, अब वो मान लो उससे पूछा कि जे का ग्राफ खींच के दिखाइए तो जे का ग्राफ अगर आप खींच के दिखाएंगे तो जे होता है हमारा आई बाई ए। एरिया आपको दिख रहा है कि पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, एरिया आपका पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो जे की वैल्यू अगर हम बात करें तो जे की वैल्यू
अगर एरिया पहले बढ़ रहा है तो जे की वैल्यू घटेगी, जे की वैल्यू घटने वाली है तो जे की वैल्यू घटने वाली है। उसका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, नॉन लीनियर ग्राफ आएगा, नॉन लीनियर ग्राफ आएगा बिकॉज एरिया जो आपका बढ़ रहा है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है और आर जो है वो डिस्टेंस के लीनियर फंक्शन में है। तो यानी कि नीचे ये कुछ फॉर्मूला जो बनेगा वो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का बनेगा एरिया का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का एरिया का फॉर्मूला बनेगा। तो इसका मतलब है जे की वैल्यू आई अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का आएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा और फिर ये इधर की तरफ उठ जाएगा, यहां पर वो सेम करंट आ जाएगी, यानी ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ऑब्वियसली इट इज नॉट पैराबोला, इट इज नॉट, आई डोंट नो द नेम ऑफ द शेप एंड यू ऑल्सो डोंट नो द नेम ऑफ द शेप, पर ये ग्राफ बनेगा जे वर्सेस एक्स का ग्राफ बनेगा, एक्स यहां से डिस्टेंस है। अब जे का ग्राफ आपको समझ में आ गया, अब आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कैसी कैसी है, तो उसका ग्राफ भी सेम आएगा। अगर आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ग्राफ पूछे उसका ग्राफ भी सेम आएगा, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जे ई और बी डी का बिहेवियर एक जैसा होता है। और अगर किसी सवाल में सिग्मा वेरिएबल दे दिया जाए तो आपको उसके हिसाब से सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें ई भी वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा वेरिएबल हो गया तो ई भी वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि जे और ई में रिलेशन लीनियर नहीं रह पाएगा। तो इसका मतलब है जे का बिहेवियर और ई का बिहेवियर एक जैसा नहीं होगा। इसमें बढ़िया सवाल बनता है, इसमें बढ़िया सवाल क्या बनता है, इसमें सवाल ऐसे बनेगा कि मान लो उसने कहा कि स्ट्रेट वायर है पर उसका जो सिग्मा है, सिग्मा जो है वो बदल रहा है और उसका फॉर्मूला है सिग्मा नॉट वन प्लस एक्स बाई एल। लेट्स से दिस इज अ फॉर्मूला, यहां से एक्स डिस्टेंस पर सिग्मा की वैल्यू इतनी है और ये पूरी डिस्टेंस एल है और उसने कहा कि इसमें आई करंट जा रही है। तो इसमें कैसा सवाल आपसे पूछ सकता है, जब सिग्मा वेरिएबल होगा तो करंट जब ऐसे वेरिएबल होगी तो इसमें दो तरह के सवाल पूछ सकता है, चार्ज एक्यूमुलेटेड पूछ सकता है और या फिर बोलेगा पूरे कंडक्टर में कितना चार्ज एक्यूमुलेट है और या फिर पूछ सकता है कि चार्ज डेंसिटी बताइए। तो अगर दो ही तरह के सवाल बन सकते हैं जब आपका सिग्मा वेरिएबल होगा तो सवाल दो तरह के बनेंगे कि पूछेगा चार्ज एक्यूमुलेटेड कितना है या चार्ज डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बताइए। तो आपको ये पता है कि सिग्मा का फॉर्मूला ये दे रखा है, तो अगर आपको आई बाई एरिया जो होता है वो जे हो गया, आई बाई एरिया जो है वो हमारे पास जे हो गया और आई बाई एरिया जे हो गया वो हो गया सिग्मा ई के बराबर। इससे हमें साफ साफ मिल जाएगा ई का फंक्शन आई डिवाइड बाई एरिया इंटू सिग्मा नॉट वन प्लस एक्स बाई एल। तो ये हमारे पास ई का फंक्शन आ जाएगा, ई का फंक्शन आ जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए चार्ज डेंसिटी कहीं पे निकालिए तो हमें गॉस लॉ लगाना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हर जगह अलग अलग है तो वो यूनिफॉर्मिटी के साथ दिशा सेम है पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह मैग्नीट्यूड वाइज अलग अलग है। इसका मतलब है यहां पर चार्ज एक्यूमुलेट हुआ होगा। अब याद रखिएगा ये एक्यूमुलेशन बिफोर स्टेडी स्टेट हुआ होगा, स्टेडी स्टेट आने के बाद एक्यूमुलेशन नहीं होता, वो हमने किरचॉफ लॉ में पढ़ा है, पर किरचॉफ लॉ वैलिड है स्टेडी स्टेट में। आपने कहा व्हाट स्टेडी स्टेट, नोबडी टॉक अबाउट स्टेडी स्टेट इन करंट, बिकॉज हम सर्किट लगाते ही आई करंट चला देते हैं, स्टेडी स्टेट क्या? पर भैया मेरे आई करंट को एस्टेब्लिश होने में कुछ माइक्रो सेकंड लगते हैं, उस माइक्रो सेकंड के समय को ट्रांजिशन समय कहते हैं, उसके बाद स्टेडी स्टेट आता है, उसके बाद करंट कॉन्स्टेंट होती है, तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी आ जाएगी। पर याद रखिएगा चार्ज एक्यूमुलेट होता है अगर मटेरियल अलग हो या बेंडिंग ऑफ वायर हो तो वहां पे चार्ज एक्यूमुलेट होता है। इस तरह के सवालों को बहुत ध्यान से समझिएगा, कितना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो ई अगर आपको पता चला गया तो आप यहां पर गॉस लॉ लगा सकते हैं, दैट विल गिव यू डेल ई बाई डेल एक्स जो हमारे पास आया है वो हमारे पास रो बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और इस गॉस लॉ के डिफरेंशियल फॉर्म इस्तेमाल करके आप ई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स अगर आपको पता है तो चार्ज डेंसिटी, या रो रेजिस्टिविटी नहीं है चार्ज डेंसिटी है, रो रेजिस्टिविटी नहीं है चार्ज डेंसिटी है, रेजिस्टिविटी 1/ सिग्मा होता है, उसका भी सिंबल रो होता है, तो रो से कंफ्यूज मत होइएगा, ये गॉस लॉ है। गॉस लॉ में रो रेजिस्टिविटी नहीं होती, गॉस लॉ में रो जो होता है वो हमारा क्या कहते हैं उसको बेसिक फंडामेंटल, यानी रो जो है हमारे पास वो हमारे पास दिया हुआ है चार्ज डेंसिटी। ये बहुत ही शानदार सवाल बनता है और इस पे सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। और दुनिया में जब भी कभी भी अंदर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पूछा गया तो याद रखिएगा यू हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम हियर ओनली, जे बराबर सिग्मा, ई बराबर एनईवीडी और आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट और आई की वैल्यू जे ए के बराबर है, आई की वैल्यू। ये फंडामेंटल बात है, ये फंडामेंटल बात है। इस फंडामेंटल बात को अगर आप नहीं समझेंगे तो कोई भी अच्छा सवाल कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वही सवाल सॉल्व कर पाएंगे जो आपको
किसी मास्टर जी ने कराए हुए हैं। तो अगर माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में चार्ज डेंसिटी कंडक्टर के अंदर पूछ दे या इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पूछ दे, तो उन सारे सवालों में आपको जो इस्तेमाल करना है वो यहीं से खेल स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, गॉस लॉ लगाना है, जे बराबर सिग्मा ई इस्तेमाल करना है, आई कॉन्स्टेंट होता है इस्तेमाल करना है, और ये जो पेज में लिखा हुआ है वो इस्तेमाल करना है, और साथ में अगर चार्ज डेंसिटी के बारे में पूछा है तो गॉस लॉ लगाना है। जैसे एक बहुत ही शानदार जे एडवांस से ऊपर लेवल का, मतलब एक ओलंपियाड लेवल का एक सवाल करने की अपन कोशिश करते हैं कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या है सवाल देखते हैं, यहां पे समझने की कोशिश करिएगा। उन्होंने कहा कि एक कंडक्टर है ये एक कंडक्टर हमारे पास दिया हुआ है, इस कंडक्टर को मैं या फिल कर लेता हूं, ये कंडक्टर दिया हुआ है। इस कंडक्टर के ऊपर एक ये दूसरा रैंडम शेप्ड कंडक्टर दिया हुआ है। दोनों कंडक्टर हैं पर ये रैंडम शेप्ड कंडक्टर हैं। ये रैंडम शेप्ड कंडक्टर है, ये सफेद सफेद वाले दोनों कंडक्टर हैं, और इसको हमने क्यू चार्ज दिया हुआ है, इसको हमने माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है, इसको हमने क्यू चार्ज दिया हुआ है, लेट से क्यू नॉट दिया हुआ है और माइनस क्यू नॉट चार्ज दिया हुआ है। अब उसने बोला कि अगर मैं इसके बीच वाले रीजन में यहां पर अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक भर दूं। मैंने कहा अच्छा क्या है डाइलेक्ट्रिक, उसने कहा ये वीकली कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक का मतलब है इसका हमें के भी पता है, के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी पता है, और साथ साथ इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा भी पता है, के भी पता है और सिग्मा भी पता है, कंडक्टिविटी भी है इसमें और डाइलेक्ट्रिक भी है, इसे कहते हैं वीकली कंडक्टिंग मीडियम। तो इसका डायरेक्ट कांस्टेंट भी है फाइनाइट और सिग्मा भी है फाइनाइटली स्मॉल, तो ये हमें दे रखा है। तो उसने बोला कि बताओ इस पर चार्ज जो क्योंकि अगर ये कंडक्टिविटी है तो चार्ज लीक आउट करेगा, अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, बिकॉज इट इज कंडक्टिविटी, तो यहां पे हायर पोटेंशियल है अंदर वाला, बाहर वाला लोअर पोटेंशियल है, तो चार्ज फ्लो करेगा। वो बोल रहा है कि बताओ चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना आएगा, इसमें वो बोल रहा है चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना आएगा। अगर आपको चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यहां पे निकालना है तो चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए आप कैसे आगे बढ़ेंगे, तो आपने कहा चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, कैसे निकालें, तो मुझे नहीं पता चल रहा है अभी क्या होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने माना किसी समय पर, मान लिया इस पे चार्ज क्यू आ गया। अगर इस पे चार्ज क्यू आ गया तो मैंने इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करी, हमें पता है कि कंडक्टर के जस्ट बाहर अगर गॉसियन सरफेस कंडक्टर करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है। हमने ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, जो कि कंडक्टर के परपेंडिकुलर है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर बना दिया। बहुत बढ़िया सवाल है, दुनिया का सबसे बढ़िया सवाल है जो इसमें आ सकता है कभी। इसको हमने यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे नहीं पता कितनी है क्योंकि हर जगह अलग अलग होगी, क्योंकि रैंडम शेप कंडक्टर है तो चार्ज डेंसिटी हर जगह क्यू जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, तो हमें नहीं पता कि कितनी होगी, पर यह कंडक्टिविटी हमने यहां पर बना दी। अब हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जनरल जगह पर ई बोल दी, ई हर जगह अलग अलग है ये याद रखिएगा। तो वन थिंग आई कैन से अबाउट विद द गॉस लॉ कि क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए जो हमारे पास आएगा उसकी वैल्यू जो होगी वो क्यू जो इसके अंदर चार्ज है डिवाइड बाय के एप्सिलॉन नॉट होगी, क्योंकि यही गॉस लॉ का फॉर्म है जहां पे क्यू फ्री चार्ज होता है। वैसे गॉस लॉ का फॉर्म ये कहता है कि क्लोज इंटीग्रल ई डी ए क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट हमेशा होता है चाहे कुछ भी हो जाए वो, लेकिन तब कहता है जब आप क्यू इन टोटल ले रहे हो, यहां पे हम फ्री चार्ज ले रहे हैं, फ्री चार्ज उसे कहते हैं जो आपने दिया है पर डायलेक्ट्रिक की बाउंड्री पे चार्ज इकट्ठा भी हो गया होगा, तो उसके लिए फ्री चार्ज के फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा, शायद आपके मास्टर जी ने आपको बताया हो, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA Q by K एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब हमने कहा क्या, तो अब हमने कहा इससे जो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ गई है तो यहां पर करंट ऐसे चल रही होगी, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग चलती है, बिकॉज J की दिशा वही होती है जो E की दिशा होती है, क्योंकि हमें पता है J बराबर सिग्मा E है। तो इसका मतलब है यहां पे किसी भी पॉइंट पर करंट डेंसिटी की वैल्यू जो हो जाएगी, J की वैल्यू हो जाएगी, वो सिग्मा इंटू V के बराबर हो जाएगी।
जे की वैल्यू सिग्मा इंटू ई के बराबर हो जाएगी। जब जे की वैल्यू सिग्मा इंटू ई के बराबर आ गई, हमने कहा हमें तो निकालनी है कितना चार्ज यहां कितना चार्ज है, तो हमने कहा ये चार्ज लीक आउट हो रहा है, तो हमारे पास जो करंट है जो लीक आउट कर रही है क्या वो इंटीग्रल जे डॉट डी ए के बराबर होगी? आपने कहा हाँ सर ये जे डॉट डी ए के बराबर होगी, बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट की परिभाषा आई इक्वल टू जे डॉट डी ए, और J की वैल्यू E सिग्मा, सिग्मा E है, तो सिग्मा अगर हमने यहां पे लिख लिया तो हमारे पास आ गया सिग्मा इंटीग्रल E डॉट डी ए। सिग्मा इंटीग्रल E डॉट डी ए जैसे ही हमने देखा, ये पता नहीं कितने लोगों तक पहुंच पाएगा, पर वन ऑफ द बेस्टेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन जो हो सकता है, तो प्लीज हमारी मदद करिए और ज्यादातर बच्चों तक पहुंचाइए। ऐसा मत सोचिए कि कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, कुछ भी नहीं बढ़ेगा, ज्यादातर बच्चों तक पहुंचाएंगे तो हमारे लिए भी बढ़िया रहेगा ताकि हम बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं। तो E डॉट डी ए की वैल्यू क्यू के क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट है, तो इससे हमारे पास रिलेशन आ जाएगा आई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई के ए के एप्सिलॉन नॉट, आई की वैल्यू आ जाएगी। और आई क्या चीज है? आई हमारे पास अगर हम बात करने की कोशिश करें तो आई हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, यानी कि आई इज नथिंग बट माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो आई की वैल्यू माइनस डी क्यू बाई डी टी के बराबर आ गई सिग्मा के क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट। अब तो आपका सवाल आपको दिख रहा होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लिए बहुत सिंपल है, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, dq के नीचे q लाएंगे, dt को उधर ले जाएंगे, तो आपका सीधे सीधे q की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से सीधे आंसर हमें पता है कि क्या होने वाला है, q बराबर q नॉट e टू द पावर माइनस, ये हमारे पास आ गया माइनस सिग्मा टी बाई के एप्सिलॉन नॉट। तो इंटरेस्टिंग सवाल है ये, तो चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास निकल के आ गया क्यू बराबर क्यू नॉट सिग्मा ई टू द पावर माइनस के टी बाई के एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर और दिस इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन विच कैन बी फॉर्म्ड इन माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। तो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में बस इतनी बात याद रखिए, दुनिया का कोई सवाल आ जाए आपसे कभी गलत नहीं होने वाला, ये याद रखिएगा। एक और बात है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में जो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है कि वायर बेंट होता है तो उसमें वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेता है। अगर बेंट वायर है और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी कभी पूछे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक वायर ऐसा है, ये एक वैसा वायर है, इसको हायर पोटेंशियल दिया हुआ है और इसको लोअर पोटेंशियल दिया हुआ है, तो करंट यू चल रही है, करंट यू चल रही है, तो इसमें वो बोलेगा कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। आपने कहा ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब परपेंडिकुलर टू द वायर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो करंट की दिशा में आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर वायर की दिशा में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, अगर वायर की परपेंडिकुलर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, अगर हमारी बेंडिंग ऑफ कर्व हो रही है, यानी कि बेंडिंग आती है जब भी, तो वहां पे चार्ज एक्युमुलेशन हो चुका होता है नॉन स्टेडी स्टेट में। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी, बिकॉज चार्ज पार्टिकल जो घूम रहे हैं उनको कर्व पाथ में चलना है, तो दे नीड अ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन लेने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए जो कि परपेंडिकुलर टू द वायर होगी, और वायर की परपेंडिकुलर इसको ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जैसे अभी तक मानते थे करंट का मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, असली में हमें पता है इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो जब भी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल आएगा, तो बस इतना याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इसका यूज करना पड़ेगा। अगर आपने मान लिया कि एक ही बात है तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। दिस इज द ओनली प्लेस जहां पे इस बात की सेहत पे हमारे असर पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन चलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज चलता है, तो इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज चलता है, कौन सा चीज असली में चलता है, वो सिर्फ और सिर्फ तभी काम आएगा जब आपको ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा जाएगा। बिकॉज क्यों आपने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, तो मान लीजिए अगर हमने मान लिया पॉजिटिव चार्ज चल रहे हैं जो कि असली में नहीं चल रहे हैं, तो इनको सेंटीपेटल एक्सेलरेशन नीचे चाहिए, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे चाहिए होगी, और अगर मान लिया नेगेटिव चार्ज इधर चल रहे हैं तो इनको भी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन नीचे चाहिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर चाहिए, बिकॉज नेगेटिव चार्ज फोर्स ऊपर लगता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फर्क पड़ जाएगा। मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी इंपॉर्टेंट होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी पूछी जा सकती है, तो आपको इस बात का फर्क पड़ेगा कि असली में कौन चल रहा है। दिस इज द एंड ऑफ द माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में इतनी बात अगर आपको याद है, किसी के पिताजी सवाल नहीं बना सकते जो आपसे सॉल्व ना हो, पर इतनी ही बातें बस पता होनी चाहिए जितनी हमने यहां पे बात की है। तो अब हमने जब माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस की बात कर ली, तो हम आते हैं सर्किट सॉल्विंग पे।
सर्किट सॉल्विंग में कई सारे मिथ हैं कि करंट हमेशा वो रास्ता ढूंढती है जिसमें उसको रेजिस्टेंस कम पड़ता है, एज करंट ये करती है, करंट वो करती है। करंट कोई इच्छाधारी चीज नहीं है कि अपनी मर्जी से काम करती है। करंट कोई चीज नहीं है, उसके पास कोई कॉन्शियस नहीं है कि वो अपना कहती है मेरे को तो कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता ढूंढना है। हम उसको जबरदस्ती सोचते हैं कि करंट उस रास्ते को ढूंढती है। करंट कोई रास्ता वास्ता नहीं ढूंढती। करंट हमेशा किसी भी रेजिस्टेंस वाले वायर में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चलती है, और अगर रेजिस्टेंस नहीं है वायर में तो वो आराम से चलती है बिना पोटेंशियल डिफरेंस के, क्योंकि उसको चलने के लिए फोर्स नहीं चाहिए, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सिंपल सी बात है। अब करंट कहां से शुरू होती है? हमें लगता है बैटरी से करंट चलती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि बैटरी से करंट चलती है। करंट हर ब्रांच में एक शॉट डेवलप हो जाती है बैटरी से निकल के। ये नहीं कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो चलते हैं, रास्ते मिलते आते हैं, बदलते आते हैं, मिलते जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारे के सारे मिथ हैं, तो हमें इन सारे मिथ को बस्ट करना है और इस बात को याद रखना है कि सर्किट में करंट कहीं से भी आप तो सिर्फ दो बातें याद रखनी है। एक है किरचॉफ करंट लॉ कि आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, एक है आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। पहली बात आपको ये समझना चाहिए, देयर इज नो एक्युमुलेशन बराबर जाने वाली करंट। ये आपको एक बेसिक फंडामेंटल पता है, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, ये एक बेसिक फंडामेंटल पता है। आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट का एक बेसिक फंडामेंटल पता है। दूसरा हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, तो इसका मतलब है क्लोज लूप में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है डेल्टा वी की वैल्यू जीरो आएगी। पूरे लूप में घूम के आए, जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता है, यानी क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो आती है। तो ये हमारे पास बेसिक कहानी है जो हमें आनी चाहिए, और उसके अलावा हमें कुछ भी आने की जरूरत नहीं है। मेथड सिर्फ उसके सॉल्व करने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है। और एक बात याद रखिएगा कि सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस काम करता है, पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं है। पोटेंशियल हैज नो सिग्निफिकेंस इन सर्किट, ओनली पोटेंशियल डिफरेंस इज द इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस अगर कोई वायर में है तो रेजिस्टेंस जो वायर में होता है वो रेजिस्टेंस के करंट चलने के लिए हायर से लो, जैसे कि किसी मासलेस चीज को चलाने के लिए हमें कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर किसी मैसिव चीज को चलाने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट है और वो फोर्स लगेगा तो चलती है। वही सेम कहानी है कि अगर रेजिस्टेंस लेस वायर है तो उसमें चलने के लिए करंट को कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत नहीं है, कोई भी ईएमएफ की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारा वायर में रेजिस्टेंस है तो उसमें चलने के लिए करंट को पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है, और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चलती है इन आर रेजिस्टेंस। तो अगर आप ये याद रखते हैं कि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चलती है, तो इसके साथ पूरी लाइन याद रखिए कि इट मूव्स ऑलवेज इन हायर फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल इन आर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लेस वायर में ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि हायर से लोअर, लोअर से हायर, ऐसा कोई बकवास नहीं है। रेजिस्टेंस लेस वायर में वो हमेशा बिना पोटेंशियल डिफरेंस के चलती है। I hope I made my point. अब इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए बेसिक फंडामेंटल ये है कि हम या इन दोनों का ही यूज करना है, इसको बेस मान के इसको सॉल्व करें या इसको बेस मान कर इसको सॉल्व करें, दोनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए दो मेथड चलते हैं मार्केट में, जिसका नाम है लूप मेथड और एक है नोडल मेथड। नोडल मेथड को पॉइंट पोटेंशियल मेथड भी कुछ लोग कह देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम क्या है, लूप मेथड और नोडल मेथड, दो मेथड हैं जिनका आपको इस्तेमाल करना है। लूप मेथड या नोडल मेथड, इट इज एंटायरली योर चॉइस। और करंट कहीं से शुरू नहीं होती, कहीं से भी आप मान ले कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक सवाल करने की कोशिश करते हैं, इस सवाल में मान लिया हमारे पास ये सर्किट दे रखा है, ये रेजिस्टेंस है, यहां रेजिस्टेंस है, यहां एक बैटरी लगी हुई है, यहां पर एक बैटरी लगी हुई है, यहां पर एक बैटरी लगी हुई है, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस है, यहां पर और यहां पर एक सिर्फ बैटरी लगी हुई है, और यहां पर एक हमारे पास एक रेजिस्टेंस है ये, और यहां पर हमारे पास एक दूसरी बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी लगी हुई है, और ये एक रेजिस्टेंस यहां पे एक और है। लेट्स से इट इज R1, इट इज R2, इट इज R3, इट इज R4, इट इज R5, और ये हमारे पास E की बैटरी है, ये 3E की बैटरी है, ये 5E की बैटरी है। तो कोई पूछे कौन सी मेन बैटरी है, ये बकवास सवाल है। मेन बैटरी, फिन बैटरी कुछ नहीं होता, बैटरी बैटरी है, वो करंट चलाएगी जो भी है। अब आपको इस सवाल को सॉल्व करना है कि हर ब्रांच में करंट बताइए, हर ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, हर ब्रांच में सबको सॉल्व करना है। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो आपकी मर्जी है, आप किस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आपका हमेशा चॉइस होता है कि आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। प्लीज ध्यान से समझिए। एक काम करते हैं, यहां पे R1, R2, R3 लिखा था, R4
एक यहां पर भी बना देते हैं R6 ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। R6 हर संभव पॉसिबल कर देते हैं, जो भी चेंज होगा वो कर देखा जाएगा। अब आपने कहा कि सर्किट सॉल्व करना है, क्या करें सर, कैसे स्टार्ट करें? तो अगर आप लूप मेथड से इस्तेमाल करना चाहते हैं, पहले मैं इसको क्या करता हूं, सिलेक्ट कर लेता हूं और थोड़ा लेफ्ट में कर देता हूं सर्किट को। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया इसको, और हमने इस सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा इधर खिसका दिया, इधर खिसका दिया, और इसको थोड़ा सा छोटा भी कर दिया, और इसको नीचे खिसका दिया, और फिर हमने इसको कॉपी करके एक बार इधर भी बना दिया। ये हमने काम कर दिया ताकि हम दोनों मेथड यहां पे समझ पाए। तो दो सर्किट हमारे पास हैं, दोनों मेथड हमें समझने हैं कि क्या क्या करना है। दोनों सर्किट को सॉल्व करने के लिए दोनों मेथड हमें लगाएंगे। पहले हम लूप मेथड की बात करते हैं। लूप मेथड कहता है कि अपनी मर्जी से करंट किसी भी जगह से स्टार्ट करिए और डिस्ट्रीब्यूट हर ब्रांच पे लिखते जाइए। बस इतना याद रखिएगा कि आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। तो मैंने यहां से स्टार्ट किया, प्लीज देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। मैंने यहां पर क्या किया, मैंने माना कि लेट से करंट यहां से चली आई। आपने कहा सर यहां से भी मान सकते हैं? मैंने कहा कहीं से मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से चली आई, यहां से चली आई, और यहां से आई I1, तो इसमें गई होगी I1 - I, इसमें गई होगी I1 - I, I1 - I। अब यहां से I चली, मुझे क्या पता यहां से I2 मान लिया गई, तो यहां से I आई, यहां से I2 आई, तो यहां से गई जहां जहां मानना पड़ रहा है, जहां तीन ब्रांच मिल रही है दो में मानना पड़ रहा है, एक में निकाल सकते हैं, तो यहां पे गई I+I2। यहां से I+I2 आई, यहां से I1 - I आई, तो यहां पे जो करंट जाएगी दोनों का समेशन यानी कि I1 + I2, और यहां से I1 इधर चली गई, तो यहां से I1 इधर चली गई क्योंकि दिखाया हुआ है, तो यहां से चली गई I2। तो हमने हर ब्रांच में करंट मान ली। तो आप इस बात से बहुत डरना आपका खत्म होना चाहिए कि ये क्या बढ़िया बात बताई सर ने, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता कि बैटरी से करंट चलेगी, ऐसा कोई ड्रामा नहीं किया सर ने, कहीं से भी करंट मान के आपको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने इस सवाल में जब आपने लिखा तो आपके पास तीन अननोन है, I, I1, I2, तीन अननोन है, हमें तीन अननोन को सॉल्व करना पड़ेगा टू गेट द आंसर। ये अब इन अननोन को सॉल्व कैसे करेंगे? इन अननोन को सॉल्व करने के लिए आपको तीन इंडिपेंडेंट लूप्स लेने हैं। कितने भी ले सकते हैं, पर तीन ही इंडिपेंडेंट बनेंगे ही। तीन इंडिपेंडेंट लूप लेने हैं, आपकी मर्जी है। और उसमें क्या करना है, उसमें आपको लूप लॉ लगाना है कि इसमें नेट पोटेंशियल ड्रॉप लूप में जीरो होता है। मैंने आपसे कहा था कि करंट मानकर लूप वाली इक्वेशन लगाओ या पोटेंशियल मानकर करंट वाली इक्वेशन लगाओ, तुम्हारा चॉइस होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या मान के क्या किया है। तो ये पहले मेथड में आपने इक्वेशन लिखने की कोशिश की। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो पहले मैंने ये इक्वेशन ही लिख दी, ये यहां से यहां इक्वेशन लिख दी इस वाले लूप में, ये ऐसे गए ऐसे करके ऐसे आके लूप में, तो क्या इक्वेशन आई, I+I2 × R2 + I1 + I2 × R4। यहां से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में ड्रॉप की जगह गेन हुआ तो -5E, और यहां पे I2 है +I2 × R5 = 0। इस तरह से आप तीन इक्वेशन लिखिए, तीन अननोन है, सॉल्व हो तो ठीक है, नहीं हो तो नहीं ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। तीन अननोन, तीन इक्वेशन, फिर इसका काम खत्म। आई होप आप तीन इक्वेशन लिख सकते हैं। आप एक बड़ा वाला लूप ले सकते हैं, आप एक ये वाला ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, या ये दो छोटे छोटे लूप ले सकते हैं, इसको और इसको ले सकते थे, कोई भी तीन लूप ले लीजिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। आपने कहा ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब क्या कह रहे हो? मतलब अगर तुमने मान लो पहला लूप ये लिया होता, ये वाला, और दूसरा लूप ये लिया होता और तीसरा सिर्फ यही ले लिया होता, तो ये कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि पहले दूसरे लूप की इक्वेशन से मिलकर तीसरी इक्वेशन बनती, वो इंडिपेंडेंट इक्वेशन नहीं बनती। तो दो इक्वेशन से तीन अननोन सॉल्व नहीं हो पाते, तो तुम्हें इंडिपेंडेंट लूप लेना है। या फिर आप इस बात को याद रखिए कि हर ब्रांच को एक ना एक बार यूज कर लेना है। कोई भी लूप ऐसा ले इसमें कोई ब्रांच छूट ना जाए, कम से कम किसी एक इक्वेशन में एक बार यूज हुई हो वो ब्रांच, इतनी बात याद रख लीजिए। हर ब्रांच कहीं ना कहीं किसी इक्वेशन में यूज हुई हो तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन से लूप लेने हैं। हर ब्रांच एक बार यूज हुई हो ये जरूरी है। तो इस तरह से तीन इक्वेशन, तीन अननोन बनाएंगे एंड वी कैन गेट द आंसर। इसको सॉल्व करेंगे, वी कैन गेट द आंसर। ये हुआ मेथड वन, जिसको कहते हैं लूप मेथड। आपको आसानी से सॉल्व करना आना चाहिए लूप मेथड। लूप मेथड अगर आपको आसानी से सॉल्व करना आ गया, आप दूसरा मेथड सीखते हैं नोडल मेथड।
नोडल मेथड में क्या होता है, नोडल मेथड में कहते हैं कि पोटेंशियल इंपॉर्टेंट नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, हर पॉइंट का पोटेंशियल लिखने की कोशिश करते हैं, दैट्स व्हाई समबडी सेज इज पॉइंट पोटेंशियल। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता नाम क्या है, नोडल या पॉइंट पोटेंशियल, बिकॉज पोटेंशियल डिफाइन करते हैं उसके बेसिस पे उसने पॉइंट पोटेंशियल मेथड कहा। कुछ लोग इसमें इसको नोडल मेथड इसलिए कहते हैं कि नोट्स पे जाकर इक्वेशंस लिखते हैं, इसलिए नोडल मेथड कहा, आपकी मर्जी है। तो इसमें क्या करना है, किसी भी एक पॉइंट का अपनी मर्जी से, किसी भी एक पॉइंट का अपनी मर्जी से पोटेंशियल मान लीजिए, क्योंकि हमें पता है डिफरेंस ही काम आता है, तो पोटेंशियल एक पॉइंट का अपनी मर्जी से मान सकते हैं। अब वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट कौन सा है, ये आपका चॉइस है। उसका पोटेंशियल कितना माने ये आपका चॉइस है। आप किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल अपनी मर्जी से मान लीजिए। आप में किसी ने कहा कि मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लिया 5 वोल्ट है, मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया, इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है। आपने कहा मैंने मान लिया कि इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है, ठीक है। अब आपने कहा मैं यहां, अब सबका पोटेंशियल लिखना है, अब आपने कहा कि मैं यहां का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, यहां से यहां जाऊंगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं लिख पाऊंगा, तो मैंने एक्स लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स लिख दिया। अब यहां का एक्स है तो यहां से ई का गेन होगा, तो यहां का पोटेंशियल एक्स प्लस ई लिख दिया, ई का गेन होगा, एक्स प्लस ई लिख दिया। इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख पाऊंगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने यहां पर, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख पा रहा हूं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने वाई लिख दिया, वाई इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख दिया। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमारे पास जो आ गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमारे पास आ गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमारे पास आ गया, वाई से 5e का गेन है तो वाई प्लस 5e, वाई प्लस 5e का पोटेंशियल आ गया, और इसका 5 है तो इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इन सबका तो लिख दिया, सबके पोटेंशियल लिख दिया। कोई नोट बचा है क्या, हाँ ये वाला, इसका भी वाई मान लिया, इसका हमें नहीं पता तो इसका हमने जेड मान लिया, इसका हमने अगर z मान लिया है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हम लिख सकते हैं, इसका पोटेंशियल हो गया z प्लस 3e। तो क्या हमने हर एलिमेंट के लेफ्ट राइट का पोटेंशियल लिख लिया, हर एलिमेंट के लेफ्ट राइट का पोटेंशियल लिख लिया आपका इस तरह से मानकर, हर एलिमेंट के लेफ्ट राइट का पोटेंशियल लिख लिया इस तरह से मानकर। अब हमारे पास यहां पर भी इस सवाल में भी कचरा मचा हुआ है, तीन अननोन आए हैं एक्स वाई जेड, 5 अननोन नहीं है, 5 आपको ऑलरेडी पता है। अब आपने कहा कि कैसे सॉल्व करें, तो मैंने कहा सिंपल सी फंडा है कि आने वाली करंट बराबर जाने वाली, पोटेंशियल्स माने हैं तो करंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। तो आप देखते हैं कहीं पर भी आप जुड़ जाइए कि भैया यहां पर जैसे इस पॉइंट पर इधर से करंट मान लिया आर है, आपने कहा किधर से आ रही, किधर जा रही, क्या माने, हमने कहा जो मर्जी हो मान लो, आप मान लीजिए कि इस पर इधर से भी करंट आ रही है, इधर से भी करंट आ रही है, इधर से भी करंट आ रही है, जा रही नहीं है, पर हमें लिखना है आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। तो हमने कहा कैसे लिखें सर, तो हमने कहा यहां से करंट जो जा रही है वो आ रही है 5 - x / r1, यहां से जो करंट जा रही है वो जा रही है जेड प्लस 3e - x / r3, और इधर से कितनी आ रही है, तो बैटरी में कभी लिखेंगे, हमेशा रेजिस्टेंस में, यहां पे आएंगे y - x + 3x + e / r6 = 0। इसी तरह से y वाले एंड पर और z वाले एंड पर भी आप यहां पर दो कितनी भी तीन जगह पर तीन इक्वेशन लिखनी है, याद रखना है हर एलिमेंट एक बार यूज हो जाना चाहिए, हर ब्रांच एक बार यूज हो जानी चाहिए। तो इस तरह से आप तीन इक्वेशन लिखेंगे, तीन अननोन लिखेंगे, यू कैन गेट द आंसर। दुनिया का कोई सवाल आए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए कि ऐसे सवाल सॉल्व करते हैं, ऐसे सर्किट एनालिसिस करते हैं। तो कोई भी सवाल की सर्किट एनालिसिस आप आराम से कर सकते हैं, ये मेथड जो मैंने सिखाया वो मेथड आपको बहुत क्लियरली पता है कि ये मेथड क्या है, कैसे काम कर रहे हैं।
ये मेथड क्या है और कैसे काम कर रहे हैं आपको एकदम क्लियरली पता है, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, मिथबस्टर है, बहुत सारे लोगों ने गलत सलत तरीके से कुछ कुछ बोला होगा तो आपके दिमाग में 50 तरह के कंफ्यूजन आ गए होंगे, उन कंफ्यूजन को दूर करना हमारा काम है। इसके लिए हमें ये मेथड को एज इट इज जैसे मैंने कहा वैसे याद रख लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। कोई भी सर्किट सॉल्विंग करने का तरीका यही है, कुछ भी नहीं आता, इतना भी आता है तो आप हर सवाल का आंसर निकाल सकते हैं जो भी पूछा जाए। किसी भी सर्किट सॉल्विंग को आप सॉल्व कर सकते हैं। अननोन ज्यादा इक्वेशन कम होंगी, अननोन ज्यादा इक्वेशन ज्यादा होंगी, सॉरी कम कैसे हो सकती है, अननोन ज्यादा इक्वेशन ज्यादा होंगी तो सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो उसके लिए हम कुछ मेथड सीखते हैं। मेथड सीखने को हम तरीके को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मेथड कैसे सीखेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक मेथड है जो बहुत काम का है, ये मेथड मेरा फेवरेट मेथड है। ये मेथड जो है बहुत इस्तेमाल होता है कैपेसिटर वाले सर्किट्स में, यहां पर भी सर्किट में इस्तेमाल हो सकता है। कई बार ऐसा सवाल आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो आपके सामने एक ऐसा सवाल आ गया, उसके बाद ये मेथड सर्किट सॉल्विंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपके पास एक ऐसा सवाल आ गया, ये R है, ये 3R है, ये 4R है, ये 2R है और ये 2R है। सुपर मेथड है ये, सुपर मेथड शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। और ये बैटरी है जिसका EMF E है। आपसे पूछा जाए कि 4R में कितनी करंट फ्लो कर रही है, सिर्फ सवाल किसी एक ब्रांच में करंट पूछ ली गई। लेट्स से इसने पूछा कि आपको भी दिख रहा है कि अनबैलेंस वीटस्टोन है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। किसी ने पूछा 4R में कितनी करंट फ्लो कर रही है, 4R में कितनी करंट फ्लो कर रही है इसकी वैल्यू का पता लगाओ, 4R में कितनी करंट फ्लो कर रही है इस वैल्यू का पता लगाओ, ये सवाल पूछा गया। तो एक तरीका आपके पास है जो कि बहुत नॉर्मल तरीका है, नोडल मेथड या फिर लूप मेथड से आप वो I1, I2, I3 मान के या XYZ मान के सवाल सॉल्व करेंगे तो बहुत समय बर्बाद होगा। और तभी वीटस्टोन बैलेंस्ड वीटस्टोन के सवाल करना, लोग कहते हैं अनबैलेंस वीटस्टोन छोड़ दो। पर इस तरह का सवाल अगर मान लो आ गया तो क्या आप तीन इक्वेशन तीन अननोन सॉल्व करेंगे, नहीं। इसका तरीका मैं बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इसको सिलेक्ट करके छोटा सा अलग कर लेता हूं ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये यहां पर है, ये हमने इसको इधर किया, इसको इधर किया, यहां पर ये इधर कर दिया और हमने इसको कॉपी करके इसको इधर लेके आ गए, इधर लेके आ गए और फिर हमने इसको छोटा कर दिया ताकि हमें दिखाई दे जाए। ये छोटा कर दिया, छोटा हुआ नहीं, छोटा हुआ नहीं, छोटा कर देते हैं, नहीं हो रहा है छोटा, रुको अंडू करते हैं। चलो आपको कचरा मच गया यार, अंडू एक बार और। ये सवाल था, पहले इसको छोटा ही कर देते हैं, पहले इसको छोटा कर देते हैं। ये हमने सिलेक्ट किया और इसको छोटा कर दिया, फिर इसको इधर लेके आ गए, फिर इसको कॉपी किया और इसको इधर लेके आ गए, ठीक है। अब हमें इस सवाल में 4R में करंट निकालनी थी कि 4R में करंट कितनी जाएगी इसका पता लगाइए। तो आपको करना क्या है, आपको 4R को पहले, इसका तरीका मेथड वैसे समझाया पूरा प्रॉपर तरीके से, पर आप इस तक को समझ लीजिए कि क्या कर रहे हैं। पहले 4R को आप यहां से उड़ा दीजिए, 4R को उड़ा दीजिए और इस पॉइंट का नाम A मान लीजिए और इस पॉइंट का नाम B मान लीजिए और A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं बिना 4R के। आपने कहा ये क्या बात हुई, मैंने कहा कर तो लो यार, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको बहुत आसान है कि आपको पता है कि ये R और 2R सीरीज में लगे हुए हैं, यहां से यहां टोटल ड्रॉप जो है अगर इसका पोटेंशियल मैंने जीरो मान लिया, इसका जीरो मान लिया, इसका जीरो मान लिया, तो इसका ई हो जाएगा। तो यहां से यहां आर है, यहां से यहां टू आर है, तो यानी यहां 1/3 का ड्रॉप होगा, वहां 2/3 का ड्रॉप होगा, तो इसका मतलब ये पोटेंशियल 2E/3 आ गया। और यहां ई है, ये जीरो है, यहां पे थ्री टुकड़े का ड्रॉप होगा, वहां 2 टुकड़े का ड्रॉप होगा, तो यहां का पोटेंशियल 2E/5 आ गया, 2E/5 आ गया। तो इन ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ गया, VAB की वैल्यू हमारे पास आ गई, VAB की वैल्यू हमारे पास आ गई 2E/3, यानी कि हमारे पास आ गई, घटा दें दोनों को तो ये हो जाएगा 4E/15,
तो VAB निकाल दिया, स्टेप वन VAB निकाल दिया। अब आपने क्या किया, अब आपने कहा सेकेंड स्टेप क्या है देखने की कोशिश करते हैं। सेकेंड स्टेप में फिर से हमने क्या किया, 4R को यहां पे हटा दिया और इस बैटरी को तार बना दिया, इस बैटरी को तार मान लिया कि कोई बैटरी है नहीं, और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, फिर से ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। तो बी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया, बी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया। तो ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, इसका नाम सी मान लिया, तो ये भी सी है क्योंकि तार हो गया है। तो बी और ए के बीच में अगर हम बात करें तो क्या क्या लगा हुआ है, तो ए और सी के बीच में आर और टू आर, ये लगा है 2R/3 और ये 3R और 2R लगा है, शायद 3R और 2R लगा है बी और सी के बीच में, तो ये आ गया हमारे पास 6R/5। तो 2R/3 और 6R/5 हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इसका आया ए और बी के बीच में, तो उसकी वैल्यू हमने निकाली, तो ये हमारे पास आ गया 10, 18, 28 R/15 रेजिस्टेंस आ गया। आपने कहा अब क्या करें, मैंने कहा ये निकाल दिया, अब आपका सर्किट ऐसा बनाइए कि 4R जिसका रेजिस्टेंस निकालना था, 4R उसको यहां रखिए, उसके अलावा एक बैटरी बनाइए, उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाइए, और सवाल का सवाल है इस बैटरी का EMF है 4E/15 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 28R/15। अब आप इसमें करंट निकाल दीजिए, इसमें करंट नहीं निकाल पाए तो जीवन में वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, तो यू कैन गेट द आंसर, आपका सीधे सीधे आंसर निकल के आ जाएगा एंड यू विल गेट इट करेक्टली, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा ये पूरी कहानी। आई होप इन दिस मेथड आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि ये मेथड कैसा है, इसको बहुत जरूरी से समझना जरूरी है। उसके अलावा क्या मेथड्स और क्या ट्रिक्स आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंसेस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यह पता होना चाहिए कि सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगे हो, सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हो R1 और R2 अगर सीरीज में है तो करंट सेम डेल्टा वी एंड पावर इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये सीरीज में लगे हैं तो ऐसा होता है। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियरली कि ये सीरीज में लगे हों तो ऐसा होता है, और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट R1+R2 होता है, ये तो आपको बचपन से पता है, और ये पता नहीं है तो कुछ होगा भी नहीं। अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हुए हैं तो उनमें डेल्टा वी सेम, करंट एंड पावर इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपको याद होना चाहिए। इससे क्या होगा कि चीजें बहुत तेजी से काम कर पाएंगे, अगर आपको ये बात समझ में आ गई और ये पूरी कहानी आपको याद है तो, ये पूरी कहानी आपको याद है, ये बात समझ में आ जाएगी और ये बहुत तरीके से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये हमें बेसिक कहानी इतनी समझ में आनी चाहिए कि इतनी आ गई तो हमारे लिए बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। इसके अलावा हमें क्या याद रखना है कि बैटरीज के कॉम्बिनेशंस में सीरीज अगर कॉम्बिनेशन है बैटरी का तो आपका बैटरी रेजिस्टेंसेस ऐसे कई सारे लगे हुए हैं तो सीरीज में यू कैन रिप्लेस देम बाय सिंगल, EMF इज इक्वल टू σEI विद पोलैरिटी का ध्यान रखना है विद पोलैरिटी, और R इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा σRI विदाउट पोलैरिटी, इसमें पोलैरिटी का ध्यान नहीं रखना है। बैटरी कॉम्बिनेशन में अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो बैटरी का तो R इक्विवेलेंट 1/R इज σ1/RI जैसे पैरेलल में करते हैं, और इक्विवेलेंट EMF की बात की जाएगी तो वो होगा R इक्विवेलेंट σEI/RI। ये है फॉर्मूला बैटरी का पैरेलल में, इसमें पोलैरिटी का ध्यान रखना है, फिर से पोलैरिटी विद पोलैरिटी
और इसमें पोलैरिटी विदाउट पोलैरिटी, पोलैरिटी का ध्यान नहीं रखना है, मतलब माइनस मत कर दीजिएगा। ईएमएफ में माइनस कर सकते हैं, रेजिस्टेंसेस में माइनस मत कर दीजिएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट सीरीज, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट पैरेलल। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को आपको ईएमएफ को याद रखना है, और आपको क्या याद रखना है, और आपको याद रखना है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन, जो आपको पता है कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर कभी आपको दिया हो, ऐसा ऐसा, इसमें हर जगह रेजिस्टेंसेस हैं, हर जगह रेजिस्टेंस है आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव आर सिक्स, ऐसा कॉम्बिनेशन कभी दिखाई दे आपको, तो इसको व्हीटस्टोन बनने की कोशिश करिएगा। अगर एडजेसेंट का रेशियो रेजिस्टेंस का आर वन बाई आर थ्री इज आर टू बाई आर फोर, किन्हीं भी दो एडजेसेंट का रेशियो दूसरे दो एडजेसेंट के रेशियो के बराबर है, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कहलाता है। आपने कहा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन का फायदा क्या होगा सर, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन अगर आपके पास कभी आ जाएगा तो आपका फायदा यह होगा कि अगर आपने ये ए और बी और ये सी और डी है, अगर बैटरी आपने ए और बी के बीच में लगाई तो सी डी वायर को उठा के फेंक दो, अगर बैटरी सी और डी के बीच में लगाई तो ए बी वायर को उठा के फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सर्किट सेम रहेगा अगर बैलेंस व्हीटस्टोन है तो। तो ये हमारा बेसिक नॉलेज है जो हमें पता होना चाहिए, इसके अलावा ज्यादा सिमेट्री फिमेट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सवाल सिमेट्री फिमेट्री से नहीं आता, जो आएगा वो अपने कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं, जो आएगा वो अपने कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर अगर आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है, इतनी बातें आपको याद रखेंगे तो आप सर्किट के सॉल्व करने वाले सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम मूव करते हैं अप्लायंसेस पे, तो अब हम जब बात करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट्स की, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हमें पता होने चाहिए उनके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो हमें पता होना चाहिए, या फिर इंस्ट्रूमेंट क्या कहें, वो हमें सबसे पहली चीज है एमीटर। एमीटर में बस इतनी बात याद रखिएगा कि एमीटर अपने थ्रू करंट मेजर करता है, तुम्हें क्या चाहिए वो मेजर नहीं करता। एमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो, इसका रेजिस्टेंस जो है वो होता है जीरो, और इसको ये, इट मेजर्स करंट थ्रू इटसेल्फ, इट मेजर्स करंट थ्रू इटसेल्फ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो, ये अपने थ्रू करंट बताता है, ये अपने थ्रू करंट बताता है। तो अगर आपको किसी ब्रांच में करंट पता करनी है तो ये तभी बताएगा जब इसमें और उस ब्रांच में सेम हो, इसका मतलब है इट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि एमीटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बात याद रखिएगा, एमीटर और कुछ नहीं, अपने थ्रू करंट मेजर कर सकता है और कुछ भी नहीं करता। सिमिलरली वोल्टमीटर जो होता है इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है, और एक और मिथ बस्ट कर लीजिए कि रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है तो इसमें करंट नहीं जाती है, ऐसा नहीं होता है, इसमें करंट जाती है। अगर करंट नहीं जाती होती तो ये सर्किट में लगा हो या ना लगा हो एक ही बात है, तो अलमारी में रख दें हम इसको उठा के, करंट तो जाती है, पर करंट इसमें जो होती है वो टेंड्स टू जीरो होती है, पर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है वो फाइनाइट आ जाता है, और ये सिर्फ उसको मेजर करता है, यानी इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंट थ्रू इटसेल्फ। ये पीडी डिफरेंट अपने थ्रू इटसेल्फ, अपने थ्रू, अपने अक्रॉस इटसेल्फ, अक्रॉस इज द राइट वर्ड, इटसेल्फ, ये अपने अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। पर ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत आपको लगेगी एक लाइन में बोल दी, पर ये बहुत काम की बात है। हमें लगता है इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है, इसका मतलब इसमें करंट जाती नहीं है, हम सवाल सॉल्व करने में करंट को जीरो मान सकते हैं क्योंकि करंट टेंड्स टू जीरो होती है। लूप लॉ लगाने में, नोडल लगाने में करंट टेंड्स टू जीरो होती है, पर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आएगा तो करंट जाएगी, तभी ना पता चलेगा इसको कि कुछ हो रहा है। तो करंट तो जानी चाहिए, पर करंट टेंड्स टू जीरो है, रेजिस्टेंस टेंड्स टू इंफिनिटी है, पर उनका प्रोडक्ट जो होता है वो फाइनाइट आ जाता है, विच इज वेरी ऑब्वियस फॉर द गाइज हु अंडरस्टैंड बेसिक मैथमेटिक्स। तो आर टेंड्स टू इंफिनिटी होता है, आई टेंड्स टू जीरो होता है, ये बात हमें समझ में आ गई, आर टेंड्स टू इंफिनिटी, आई टेंड्स टू जीरो, और इसमें करंट मेजर करता है। अगर किसी सर्किट में ये लगे हुए हैं तो ये अपने थ्रू करंट और अपने थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, बाकी सर्किट पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। अगर वो रियल की जगह, अगर वो हमारा आइडियल एमीटर, आइडियल वोल्ट मीटर ना हो तो उनके रेजिस्टेंसेस दिए होंगे, आप उन्हें सिर्फ रेजिस्टेंस मान के सवाल को सॉल्व करिए एंड यू विल गेट योर आंसर। जैसे एक बहुत बेसिक सवाल की हम बात करें,
कि अगर मान लो एक वोल्ट मीटर ऐसे लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है और एक बैटरी ऐसे लगी हुई है, इसका रेजिस्टेंस आर है, ये आइडियल वोल्ट मीटर है, ये ईएमएफ ई है, तो कोई बोलेगा कि बताओ वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, तो वोल्ट मीटर के थ्रू करंट नेग्लिजिबल जाती है, तो लूप लॉ लगाते हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को डेल्टा वी कहते हैं, इसके अक्रॉस जीरो हो गया, इट मस्ट बी इक्वल टू ई, तो डेल्टा वी की वैल्यू ई के बराबर आ जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप आता है उसमें, क्योंकि करंट तो जाती है पर करंट टेंड्स टू जीरो है, जीरो को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, पर जीरो को इंफिनिटी से मल्टीप्लाई मतलब लिमिट लगाएंगे तो उसकी वैल्यू डेल्टा वी आएगी, तो डेल्टा वी प्लस जीरो इक्वल टू ई, तो यानी डेल्टा वी की वैल्यू ई रीड करेगा। तो दिस इज व्हाट यू अंडरस्टैंड कि यह मीटर वोल्ट मीटर कैसे काम करता है। अगला है हमारे पास फ्यूज वायर। फ्यूज वायर क्या चीज है? फ्यूज वायर एक ऐसी चीज है जो अपने थ्रू करंट जब जाती है तो एक मैक्सिमम लिमिट को करंट के बाद वो पिघल जाता है। ये आता है करंट रेटिंग के साथ। करंट रेटिंग क्या बताती है? करंट रेटिंग, इसमें दो चीजें आती हैं, करंट रेटिंग और इसका खुद का रेजिस्टेंस। करंट रेटिंग ये बताती है कि ये इतनी करंट लेने के बाद ये फ्यूज हो जाएगा, यानी कि ये पिघल जाएगा। फ्यूज होने का मतलब होता है मेल्ट कर जाएगा। बल्ब फ्यूज हो गया, वायर फ्यूज वायर है, ये मेल्ट कर जाएगा, यानी कि ये आप रास्ता टूट जाएगा, इसके थ्रू करंट अब नहीं जा सकती। तो ये हमारे घरों में हम लगाते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि भैया ये क्या हो। इसमें अच्छा एक और बात है कि इसका जो करंट रेटिंग है ये इसकी रेडियस की कुछ पावर के प्रपोर्शनल होता है, यानी कि रेडियस पे डिपेंड करता है। आई डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ऑन रेडियस। इसका डेरिवेशन है, हम कर सकते हैं, आई डिपेंड्स ऑन रेडियस बट नॉट ऑन लेंथ। यानी कि अगर वो बोल रहा है कि हमने सेम मोटाई का दुगनी लंबाई का वायर ले लिया तो उसी करंट रेटिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? तो उसी करंट रेटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुगनी लंबाई करने से फर्क नहीं पड़ता, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो ये हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट था फ्यूज वायर। उसके बाद हमारा अगला है बल्ब। बल्ब जो होता है इट इज जस्ट आर रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस है और कुछ भी नहीं है। पर क्या होता है कि वो रेजिस्टेंस देते नहीं है, वो बल्ब का रेजिस्टेंस सीधे लिखने की जगह उसकी इसमें इंफॉर्मेशन होता तो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पता हो तो हमारे लिए नॉर्मल रेजिस्टेंस का सवाल करेगा। पर इसको ये क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस ना देकर इस पे वी आर और पी आर देते हैं, यानी वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग देते हैं। वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग इसकी देते हैं, वोल्टेज और पावर रेटिंग, वोल्टेज और पावर रेटिंग देते हैं। वोल्टेज और पावर रेटिंग से हम रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब जो हमारे पास आ जाएगा, रेटिंग स्क्वायर अपॉन पावर रेटिंग से हम इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। स्टेप सिर्फ इनका यूज सिर्फ यही है हमारे जीवन में, और कोई यूज नहीं है। और सवाल में जब सॉल्व कर रहे हो तो रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट करें, रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट करें। आपने कहा मतलब क्या है? जैसे मान लो एक सवाल ऐसे दिया हो कि यहां पर एक 25 वॉट का बल्ब लगा हुआ है, 25 वॉट रेटिंग का, और एक यहां पर 100 वॉट रेटिंग का बल्ब लगा हुआ है, और एक यहां 50 वॉट रेटिंग का बल्ब लगा हुआ है, 50 वॉट रेटिंग का बल्ब लगा हुआ है 50 वॉट, और इनको उसने कहा कि मैंने इनको बैटरी के साथ जोड़ दिया, बताओ कमरे में ये तीनों पावर जो देंगे किस ऑर्डर में देंगे, कौन कितनी पावर देगा। तो अगर वोल्टेज रेटिंग ना दी हो तो हम मानेंगे कि वोल्टेज रेटिंग सेम है। तो हम इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं आर है, तो इसका रेजिस्टेंस 2R हो गया, और इसका रेजिस्टेंस हमारे पास, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस 2R हो गया, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर के, तो ये हो गया 4R। ये आर का हो गया, ये 2R का रेजिस्टेंस हो गया, और ये पावर 4R हो गई। तो अब कितनी पावर देगा? तो ये दोनों कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में पावर इनवर्स रेशियो में होती है। इसका मतलब है अगर ये पावर P देगा तो ये पावर 2P देगा। कलर चेंज कर देता हूं ताकि क्लियर हो। ये पावर अगर P देगा, इसकी पावर P है, तो इसकी पावर 2P होगी। ये 2P पावर देने वाला है। ये क्या डांस हो रहा है? इसकी अच्छा मैंने कुछ और यूज कर लिया लग रहा है। इसकी पावर P है, इसकी पावर 2P होगी। इसकी पावर P है तो इसकी पावर 2P होगी। अब इन दोनों की पावर मिला के कितनी है? 3P।
इन दोनों की पावर मिला के 3p है और इन दोनों का डिस्टेंस है 2r by 3। अब 2r by 3 और 4r जो है, 2r by 3 और 4r जो है वो आपस में लगे हुए हैं सीरीज में। सीरीज में पावर इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस होती है, तो 2r by 3 का ये 6 गुना है, इसमें पावर इन दोनों की 6 गुनी आएगी, यानी अगर ये p और ये 2p दे रहा है यानी 3p दे रहा है तो ये मिला के 18p पावर देगा, ये 18p पावर देगा, यानी कि इसकी ओवरऑल पावर 18p हो जाएगी। तो 18p पावर देगा, तो 18p 2p p होगा, यानी कि दिस इज द आंसर ऑफ द पावर आउटपुट दे आर गिविंग। आपका सिर्फ काम है कि रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब सोचिए और रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इस फॉर्मूले से सोचेंगे और इसके बाद आप नॉर्मल रेजिस्टेंस की तरह सवाल को सॉल्व करिए, यू कैन गेट योर आंसर। तो दिस इज द ओनली एम्बिग्यूटी इन बल्ब जो आपको बहुत आसानी समझ में आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हमारे पास है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन पे काम करता है। यहां पर एक अननोन रेजिस्टेंस, यहां पर एक नोन रेजिस्टेंस, यहां पर मेटल प्लेट्स लगाई जाती हैं, ये मेटल प्लेट्स हैं और ये मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट है, यहां पर एक एमीटर लगाया जाता है और यहां पर बीच में, इनके बीच में एक मीटर की रॉड लगाई जाती है। यूनिफॉर्म रॉड होनी चाहिए, मोटाई कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिफॉर्म होमोजीनियस रॉड होनी चाहिए, एक मीटर की रॉड लगाते हैं। तो ये अननोन रेजिस्टेंस X है, ये रेजिस्टेंस R है और इसको हम यहां पे बैटरी लगाते हैं और इसमें सर्किट में क्या करते हैं, एमीटर को टच करा करा के हम करंट देखते हैं कि क्या किधर की तरफ जा रही है। जैसे ही हमें किसी पॉइंट पे टच होता है और वहां पे नल पॉइंट आ जाते हैं, एमीटर की रीडिंग जीरो हो जाती है, तो हम इस लंबाई को नाप लेते हैं जो कि स्केल से दिख जाएगी, एल है, तो ये 100 - L हो जाएगी। तो अब हम सीधे सीधे X by L is equal to R by 100 - L करके जो भी अननोन है उसको निकाल लेते हैं, दैट इज द आंसर। इसमें बस इतना याद रखना है कि एंड करेक्शन आ सकता है, एंड करेक्शन अगर आ जाएगा तो जो L लिखा है उसकी जगह X अपॉन L प्लस E1 हो जाएगा और जो उधर लिखा है वो R अपॉन 100 - L प्लस E2 हो जाएगा। एंड करेक्शन का मतलब है कितना वायर कनेक्शन में जुड़ा हुआ है, उसको याद रखिएगा, उससे सवालों में फर्क पड़ जाएगा। तो ये यूनिफॉर्म वायर के लिए सवाल है। कई बार क्या से सवाल पूछेगा कि नल पॉइंट अगर यहां पर आ रहा है तो अगर मैं नल पॉइंट के राइट में चुवाऊंगा तो क्या होगा, करंट नीचे से ऊपर जाएगी कि ऊपर से नीचे जाएगी। तो अगर नल पॉइंट के राइट में अगर आप टच करा रहे हैं तो ऑब्वियसली यहां से यहां पोटेंशियल घट रहा है, तो ये पोटेंशियल और कम हो गया, ये पोटेंशियल और कम हो गया, तो करंट यूं चल जाएगी। अगर नल पॉइंट के लेफ्ट में करा रहे हैं तो ये पोटेंशियल यहां घट रहा है, यहां जितना हुआ तो यहां थोड़ा ज्यादा होगा, तो करंट ऊपर चली जाएगी। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट कि एमीटर में करंट किधर की तरफ जाएगी, अगर आपका सवाल में ऐसा कोई पूछ दिया जाए कि नल पॉइंट के लेफ्ट राइट में चलाने पे क्या फर्क पड़ेगा, या फिर एंड करेक्शन का सवाल आ जाए। अगली डिवाइस जो हमें पढ़नी है वो है पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर कुछ भी नहीं है, सिंपल सी कहानी है। एक हमारे पास सर्किट है ऐसा, और इस सर्किट में यहां से यहां एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं और इस सर्किट को प्राइमरी सर्किट कहते हैं, प्राइमरी सर्किट कहते हैं। इसका रेजिस्टेंस L है, लेंथ L है, इसका R1 है, इसका E है, इसमें ऑलरेडी करंट चल रही होती है, इससे एक वायर यहां पे निकला हुआ होता है और एक स्लाइडर यहां पे निकला हुआ होता है। स्लाइडर को मूव करा सकते हैं। तो यहां से यहां करंट चल रही होगी, तो यहां से यहां एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसकी वैल्यू ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो कि आप आसानी से निकाल सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई अपॉन R1 प्लस R इनटू R के बराबर होगी, और इसके कारण आप इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, पोटेंशियल चेंज पर यूनिट लेंथ, तो वो हो जाएगा ER अपॉन R1 प्लस R डिवाइड बाय L, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। अब कोई अननोन बैटरी जैसे ही आप इसके साथ लगाते हैं और आपने देखा कि एमीटर में नल पॉइंट आ गया, इसका मतलब ये होता है कि इसका ये पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया। इसका मतलब है कि इस लंबाई x को नाप लो, x से पोटेंशियल ग्रेडियंट का मल्टीप्लाई करो, वो ईएमएफ के बराबर है, यानी x इंटू ER अपॉन R1 प्लस R इंटू L जो हमारे पास आ रहा है, ये ईएमएफ ऑफ द बैटरी, अननोन बैटरी का ईएमएफ के बराबर आ जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। ये सेकेंडरी सर्किट कहलाता है, वो प्राइमरी सर्किट कहलाता है। सवालों की प्रैक्टिस करने से ही चीजें होंगी, वो हम IGRS जब लाएंगे तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, और उस IGRS में हम लगभग जे एडवांस तक, आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि 6,000 से 7,000 सवाल सॉल्व करने वाले हैं। सो दिस इज द ओवरऑल कहानी, आप इसको देख लीजिएगा, आपका कम से कम सब कुछ रिवाइज हो जाएगा और आप अच्छे से कर सकते हैं अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप इसके आप PYQs ट्राई करिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा, एंड प्लीज हेल्प अस टू रीच मैक्सिमम पीपल सो दैट वी कैन मेक IGRS एक्सेसिबल टू एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर ITJ। फॉर दैट वी हैव टेकन अ रेजोल्यूशन कि अगर हमारा YouTube सब्सक्राइबर बेस
एक लाख पहुंच जाएगा। मुश्किल भले लग रहा हो पर आप अगर हर आदमी आप में से तीन तीन चार चार लोगों को पहुंचाएगा तो ऐसा संभव है। थैंक यू वेरी मच।